भावलपुर में मुस्लिम लीग नून के पावर शो की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। तमाम अदारों और सियासी रहनुमाओं ने इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी। वज़ीर आला चौलिस्तान विक्टोरिया अस्पताल और सेंट्रल जेल का दौरा भी करेंगे। जलसागाह पहुंचने के लिए रूट और पार्किंग एरिया मुख्तस। भावलपुर में नून लीग के जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब और आला कयादत के 100 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पिंडाल में अवाम के लिए बैठने के लिए 8,000 कुर्सियों का इंतजाम। डीपीओ भावलपुर ने सिक्योरिटी इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी। खवातीन और मर्दों की एंट्री के लिए अलग अलग गेट मुख्तस कर दिए। खवातीन एहलकार समेत 1,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। ट्रैफिक के लिए भी मुनज्जम प्लान तश्कील। नून लीग के जलसे में शिरकत काजम। सातकबात से काफिला भावलपुर के लिए रवाना। मकामी रहनुमाओं की कयादत में 100 गाड़ियों पर काफिला भावलपुर पहुंचेगा। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। जमात इस्लामी मुल्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जालमाना इकदाम। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशाम उल हक ने कहा कि ताजर खुश नहीं होगा तो आवाम कैसे खुश हो सकती है। कारोबार में मुनाफा बहुत कम रह गया है, अब महंगाई का एक और सुनामी आ रहा है। पंजाब के आवाम के लिए 200 अरब का रिलीफ पैकेज। पैकेज की निगरानी के लिए ब्यूरोक्रेसी को मुतहरिक करने का फैसला और ब्यूरोक्रेसी फील्ड में निगरानी करेगी। चीफ सेक्रेटरी को आला अफसरान की ड्यूटियां लगाने का टास्क मिल गया। मॉनसून सीजन शुरू होने से कबल तैयारियां। एमडी वासा इन एक्शन। अमले को सीवरेज लाइनों और नालों की सफाई का अमल तेज करने का हुक्म। डी सॉल्टिंग मुहिम के लिए टीमें तश्कील। बिहाड़ी जिला काउंसिल में रेवेन्यू अफसरान के एहसास में तकरीब। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। उधर कहरोड पक्का में सेंट्री वर्कर्स के एहसास में तकरीब। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान मलिक मोहम्मद रमजान ने चार्ज संभाल लिया। उधर एसडीपीओ कोटछुट्टा सैयद एजाज हुसैन बुखारी के एहसास में तकरीब। ट्रांसफर होने पर पुरवकार अंदाज में रुख्सत किया गया। June 20 तक तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की सिर सदारत इजलास। बहावलपुर और मुल्तान के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। तमाम मंसूबे मुकर्रा वक्त पर मुकम्मल करने के अहकाम दिए। June 1 से मौसम गर्मा की तातीलात का होगा आगाज। महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी इन एक्शन। दौरान तातीलात स्कूल खोलने पर होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी डीईओ की सरबराही में टीमें तश्कील। स्कूल खुलने पर 50,000 जुर्माना या स्कूल को सील किया जाएगा। रहीमयार खान में 4,45,000 एकड़ से जायद रकबे पर गन्ने की काश्त। बाहरीन का ज्यादा पैदावार लेने के लिए मतवाजन खादों के इस्तेमाल का मशवरा। जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने के लिए गुडाई की हदायत की। हज वाजबात जमा करवाने की तारीख में 1 रोज की तौसी। आजमीन हज को 1 रोज की मजीद मोहलत मिल गई। कुर्बानी के साथ आजमीन को 8,00,000 वाजबात कीमत में जमा करवाना होंगे। कोटछुट्टा में हजरत पीर मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। जायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम। बच्चों के लिए झूलों और जायरीन के लिए स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। खानेवाल जून चैंपियनशिप। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ने की टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। स्कूल प्रिंसिपल ने नौजवान खिलाड़ियों को मेडल से नवाजा। खानपुर रेस्क्यू 1122 के 9 साल मुकम्मल। रेस्क्यू ऑफिस में केक कटिंग की तकरीब।
एसी अलमास साकिब ने केक काटकर मुबारकबाद दी। बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा। एमपीए हाजी अरशद ने बहादुर रेस्क्यू अहलकारों को नकद इनाम दिए।